भगवान विष्णु का नाम आते ही उनके सुदर्शन चक्र का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने और क्यों दिया? इसके बारे में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है। जब दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने लगे और धर्म का लोप करने लगे, तो देवता भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वो हजार नामों से शिव की स्तुति करते और हर नाम पर एक कमल चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे चारों ओर ढूंढने लगे, लेकिन फूल कहीं नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की कमी को पूरा करने के लिए अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों के उत्पात के बारे में भगवान शिव को बताया और दैत्यों को खत्म करने के लिए अजय शस्त्र देने को कहा। श्री हरि की बात सुनकर भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। विष्णु ने उस चक्र से प्रबल दैत्यों का संहार किया। इस तरह देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली और सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप में हमेशा के लिए जुड़ गया। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।